आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम देखेंगे इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से लिख लेते हैं RAND ओपन ब्रैकेट 20.5, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर इंटर दबा देंगे। तो उस सूरत में क्या होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपके कुछ सफ़े आ जाते हैं। तो आप जब काम करेंगे तो उस सूरत में तो आपको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि आपका टाइम बचे। तो सबसे पहले क्या है आपका, देखेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या मतलब है, हाइपरलिंक मतलब है कि जैसे आप किसी चीज़ का आपको वर्ड की फाइल में आपको लिंक डालना है, जैसे कि यहाँ पे एक बात चल रही है या वेबसाइट के बारे में या यूट्यूब चैनल के बारे में, तो आप उस यूट्यूब चैनल को आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस खाली जगह पर लिंक डाल सकते हैं। जैसे कि उस यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक खुला हुआ है, यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ से इस तरह से आपका लिंक होता है, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, माउस के ज़रिए से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम वर्ड वाली फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं माउस के ज़रिए से, जिसको हमने पेस्ट किया है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे और हाइफर लिंक पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पर नीचे है वही यहाँ पर दिखाता है, कहाँ पे, एड्रेस में। फिर टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर भी ये दिखाएगा, ये देखेंगे जो आप लिंक जिसको बना रहे हैं वो चीज़। अब क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे ये देखेंगे आपका क्या हुआ, पहले एकदम नॉर्मल था यहाँ पे, ये ना कोई कलर था ना नीचे अंडरलाइन था। तो ये आप जैसे ही हाइफर लिंक बनाएंगे तो उस सूरत में आपका ये जो होगा हाइफर लिंक की तरह दिखने लगेगा। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके रखेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उस सूरत में ये जो आपका लिंक है वो आपका लिंक खुल जाएगा। तो पहले हम दूसरा और चीज़ बना लेते हैं कि मतलब एक ही पेज के अंदर आपको कई सारा लिंक बनाना है, या ऐसे ही हम लिखते लिखते यहाँ पे किसी इदारे का नाम आया, किसी सेंटर का नाम आया, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्टकट MMERC। अब इसका हमें बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है या इस इदारे का, इस सेंटर का पूरी जानकारी हमें देना है। तो कैसे देंगे, अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया है MMERC, अब हमें बताना है या यहाँ पे लिखते लिखते आ रहा है किसी सेंटर का नाम, तो MMERC किस चीज़ का नाम है, किस सेंटर का नाम है, कहाँ पर है, किसने बुनियाद रखी है, तो इसको भी आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। कैसे, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और जो इस MMERC के बारे में जो फाइल है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखा है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। फिर यहाँ पर एक फ़ाइल है वसीम के नाम से, इस पर हमने डबल क्लिक करके ओपन किया है। फिर यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन नाम करके फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखेंगे आपका क्या हो गया है, आपका लिंक बन गया है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि किसी फोल्डर को या JPG को क्या बनाएंगे, हाइफर लिंक बनाएंगे, किसी इमेज को भी आप हाइफर लिंक बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया है। लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वापस हाइफर लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आपको बनाना है किसी तस्वीर को, तो हम डेस्कटॉप के ऊपर है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे जहाँ पर आप रखे होंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखेंगे आपका ये भी हाइफर लिंक बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे तीन चीज़ को हाइफर लिंक बनाया है। किस किस चीज़ को, नंबर एक वेबसाइट को, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो या ट्विटर हो, तो इस तरह से आप उसका लिंक बना सकते हैं किसमें, वर्ड की फाइल में। फिर ऐसे जैसे कि MMERC के बारे में आपको बताना है कि ये किस चीज़ का नाम है, या फिर ऐसे ही किसी फ़ोटो को या किसी भी चीज़ को आपको हाइफर लिंक बनाना है वर्ड के अंदर, तो सबसे पहले आप उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो आपका हाइपरलिंक हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका ओपन करने का तरीका क्या है, हम देखिए कंट्रोल कीबोर्ड से दबा के रखेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उस सूरत में आपका जो
वेबसाइट होगा या यूट्यूब चैनल होगा वो आपके सामने दिखेगा। तो ये जैसे देखेंगे आपको दिख रहा है वसीम कंप्यूटर्स। इसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे व्हाट के अंदर किस चीज़ को हमने लिंक बनाया है, MMERC। अब इसको भी ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबा करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे, तो ये जो हमने लिखा था कि MMERC क्या है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है कि मरकज़ुल मआरिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई। फिर उसके बाद नीचे देख सकते हैं पूरी डिटेल मौजूद है। तो ये कब हमने पहले से इस फाइल को लिख के रखा था तो आप भी लिख के रखेंगे। फिर उसके बाद आप उसी फाइल में लिंक बनाना है तो आप लिंक बना सकते हैं। इसके बाद हमने किसको यहाँ पे वसीम कंप्यूटर्स में क्या है एक फ़ोटो का हाइफर लिंक बनाया है, तो आप इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे तो वो आपके सामने तस्वीर आ गई है। ये आप देख सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये आपने देखा, ऐसे ही आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने क्या है यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है, आप चाहते हैं कि नहीं किसी और वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और उस सूरत में आपका ऑप्शन आता है एडिट हाइफर लिंक, किसी और चीज़ को एडिट करना चाहते हैं मतलब इसके अलावा, या सेलेक्ट हाइफर लिंक, आप हाइफर लिंक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या इसके अलावा इसी पेज में आपको और कई मरतबा चाहिए तो कॉपी कर लेंगे और दूसरी जगह भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप रिमूव मतलब कि रिमूव कर देंगे तो आपका हाइफर लिंक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हम रिमूव करेंगे तो ये देखेंगे आपका हाइफर लिंक ख़त्म हो गया है। अब इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, मतलब कि ओपन जो आपने लिंक डाला है वो आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद क्या है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, जैसे कि आपने कोई किताब लिखी है या कोई डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है और वो एक मतलब कि कुछ ज़्यादा पेजेस हैं मतलब 50-100, तो आप क्या है करेक्शन कर रहे हैं, दोबारा से एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप पढ़ते पढ़ते मसलन आप 10 पेज के अंदर गए या कहीं पर गए, तो आप चाहते हैं कि इसके बाद हम आगे क्या देखें या यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए कोई निशान लगाना चाहते हैं तो हम जैसे कि इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे क्या करेंगे बुक मार्क पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जैसे कि आप पहले यहाँ से कुछ लिख लेंगे कहाँ पे बुक मार्क नेम की जगह में ABC हमने लिख दिया, फिर यहाँ से ऐड कर लेंगे और आप ऊपर जाएंगे। जैसे कि हम ऊपर आ गए, अभी जाना है जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया है मतलब उसके आगे हमें देखना है, तो आप बुक मार्क पर क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए आपका लिखा हुआ आ रहा है ABC। गो टू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका वहीं पर आ गए हैं जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया था। इसके बाद इसके अलावा और आपको बुक मार्क लगाना है मतलब कि एक ही फाइल में, तो आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे लगाना है पेज ले और टैब, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर बुक मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे और जैसे कि आप यहाँ से लिख सकते हैं मसलन वसीम, फिर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। या ऐसे ही आपको क्या लगाना है, आपको जैसे कि फुट नोट यानी कि हाशिया लगाना है तो आप यहाँ पे हाशिया लिख सकते हैं, तो आप जिस चीज़ के लिए जिस काम के लिए लगाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर ऐड कर देंगे तो ये आपका ऐड हो गया है। चेक करने के लिए आपको क्या है, जैसे कि हम ऊपर आते हैं, ये देखिए ऊपर आ गए, फिर बुक मार्क पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर दो दिखा रहा है, एक तो ABC और दूसरा वसीम, तो आप वसीम पे जाना है मतलब कि ये देखिए हमने सेलेक्ट करके रखा है, अगर जिस पे जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम वसीम को सेलेक्ट करते हैं, गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपका पेज लेआउट टैब के अंदर आ गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ के अंदर डायरेक्ट जाना चाहते हैं मतलब किसी हेडिंग के अंदर, आपका क्या है फाइल के अंदर हेडिंग है तो आप उस फाइल के अंदर जो हेडिंग है उसके अंदर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए से जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक हेडिंग बना लेते हैं, ये हम पहले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक हेड यहाँ पे बना लेते हैं मसलन, पेस्ट किया, अब इसको क्या कर लेंगे होम के अंदर जा कर के, ये आपका यहाँ पे सैंपल आता है, कोई हेडिंग का फॉन्ट ले लेते हैं जैसे कि अभी हमने ले लिया है। अब इसको क्या है क्रॉस रेफरेंस बनाना है, तो उसके लिए क्या है आप जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं एकदम ऊपर
ये देखिए हम ऊपर आ गए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं मसलन BA बाबा। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या है उस हेडिंग के अंदर हमें जाना है, तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किस चीज़ के अंदर जाना है जैसे कि हेडिंग, तो हम यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे जो हेडिंग की राइटिंग है, जो वर्ड है आपका यहाँ पर दिखाएगा, ये देखेंगे आपका ये लिखा हुआ है, इंसर्ट कर देंगे, फिर यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये देखिए जो आपका हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर आ गया है। फिर इसमें क्लिक करेंगे कैसे, कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हेडिंग के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पर आपकी हेडिंग होगी आप वहाँ पर जा सकते हैं। किसके ज़रिए से, क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए से। तो ये बहुत आसान है, वीडियो को गौर से देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वसीम कंप्यूटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।